या कुछ जादूगर टाइप, उन्होंने पानी में वो सोडियम का पीस फेंका और उसमें लग गई आग। अब लोग हैरान है कि उसने आग कैसे लगा दी, वही पानी में आग कैसे लग गई। तो बेटा ये भी आपको 10th क्लास में आपके आंसर मिल रहा है कि पानी में आग, उसमें सोडियम या पोटेशियम का पीस फेंक दिया था और वो रिएक्शन हुई इंस्टेंट और आग लग गई। तो एवरीथिंग इज साइंस, हर चीज के पीछे साइंस है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आज का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक समझाए थे केमिस्ट्री के, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स बताई थी आपको और बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी करके दिखाई थी। अब हम आ रहे हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है बच्चों ये, जिसमें आप रिएक्शंस के बारे में सीखते हैं। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा तो पूरी केमिस्ट्री क्लास 10th की या उससे आगे की हायर केमिस्ट्री कभी समझ नहीं आ सकती। तो दिस इज बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू गाइज। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरीके से उसके एग्जांपल बनाते हैं, किस प्रिंसिपल्स को, किस रूल्स को वो फॉलो करती हैं, कौन कौन सी टाइप की रिएक्शंस हैं। तो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं डीप डिटेल में। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो पढ़ा सभी ने है, और क्या सर हमें इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे? क्या सर इनके एग्जाम्पल हम कैसे बनाएंगे? क्या सर इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी बुक में दिए गए हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आप हैं मेरे साथ जहां कॉन्सेप्ट को रटाया नहीं जाता बल्कि समझाया जाता है। तो पेशेंस रखिए, डू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। दूसरी वाली इसकी अपोजिट होती है, जिनको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो अभी हम इनका टाइप पढ़ते हैं पहले, उसके बाद वन बाई वन इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एंड नंबर 5 इज रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये जो रिडॉक्स वर्ड आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। ये जो आरी आपको दिखाई दे रहा है, आरी, ये वर्ड आया है रिडक्शन से। क्या होता है रिडक्शन, नंबर 5th पर डिस्कस करेंगे। और ये जो आपको ये आरईडी से आया ना रिडक्शन, और ओएक्स से आया है ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर रिडक्शन होगा वहां पर ऑक्सीडेशन भी होगा, जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन भी होगा। क्या होता है वो आपको समझाया जाएगा। तो बच्चों देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो सर वो रिएक्शन कहाँ गई जो हमको पढ़ाई जाती है अलग से, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो प्रेसिपिटेशन कोई अलग से टाइप नहीं है बच्चों। सर न्यूट्रलाइजेशन भी हमको पढ़ाया जाता है अलग से, बहुत सारे बच्चों को क्लास 10th में न्यूट्रलाइजेशन भी इसमें डलवा देते हैं टीचर। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है जो हमेशा अगर हम इस टाइप में देखें तो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर जाती है। तो ये अलग से पढ़ा दिया जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिपिटेशन आपको पढ़ा दिया था, न्यूट्रलाइजेशन आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 2 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और वाटर बनाते हैं और एक सॉल्ट बनाते हैं, उसी को न्यूट्रलाइजेशन बोल देते हैं। डिटेल में समझाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहला नंबर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, पहली बात क्लियर कर देता हूं, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। जितनी एनर्जी के साथ मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, उतने ही क्यूरियोसिटी के साथ आप इस लेक्चर को देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए ए बी हो गया गिव्स सी। तो एक ये मैंने मैथमेटिकल टाइप में लिख दिया है, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखिए बच्चों रिएक्टेंट 2 हैं, 3 भी हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट है वो सिंगल है। सपोज कर लीजिए ए बी सी गिव्स डी,
तो देयर आर थ्री रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर एंड गिव अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली. तो कॉम्बिनेशन आर दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली. तो ये जो चीज है मैं यहां पर अब लिखूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा तो ऐसा नहीं है. मैं फिर से बोलता हूं कि वेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली. जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं. अब सर एग्जाम्पल बनाने में आती है हमें दिक्कत, एग्जाम्पल कैसे बनाए. देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बना के देता हूं. सोडियम हो गया, यस सर हो गया, किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है. तो जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, बेसिक में हमने बताया है, अगर अभी भी बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है वो तो प्लीज जाके पहले बेसिक वाला लेक्चर देख लीजिए. तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है. ये फॉर्मूले भी आपको बनाना सिखाए थे, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा. तो ये हमारा बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड. और जो भी हमने बताया था कि कोई भी मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल है और ये ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड हो गया, वो हमेशा सॉलिड होगा और उसका नेचर बेसिक होगा. तो बेसिक क्या होता है, एसिड का अपोजिट होता है बेसिक, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी ये एसिड बेसिक पर जो हमारी अप्रोच है वो कमी रहेगी, अभी हम इस चीज को इग्नोर करेंगे, अभी हमें सिर्फ रिएक्शन से मतलब है. ठीक है, तो एक बेसिक मेटल ऑक्साइड बन गया. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. कैल्शियम ले लीजिए बच्चों, तो कैल्शियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा. तो जिसका फॉर्मूला हो जाएगा CaO, बिकॉज दोनों की वैलेंसी 2 है. एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कम से कम 50 एग्जाम्पल आज बनाने की ट्रिक याद करके जाओगे यहां से. रट के नहीं जाना है, वो भी याद करके नहीं है ना, समझ के जाओगे यहां से. नंबर 3, लीथियम ले लीजिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, लीथियम ऑक्साइड. पोटेशियम ले लीजिए, K+O2, क्या बनाएगा, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड. बात समझ में आ रही है. तो इस तरीके से अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यहां पे देता हूं, शॉर्ट ट्रिक. कोई भी मेटल, अब कोई भी मेटल से ये मतलब नहीं है, मैं एक्टिव मेटल की बात कर रहा हूं. रिएक्टिविटी अभी सीरीज पढ़ेंगे आगे, उसमें दिखाएंगे एक्टिव मेटल कौन से है. जैसे कॉपर तक रिएक्शन कर लेगा, कॉपर को अगर बहुत हीट करा जाए तब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वो भी बताएंगे बच्चों. जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, वो यहां पे इंक्लूड नहीं है. मैं मेटल्स की बात कर रहा हूं, एक्टिव मेटल्स की बात कर रहा हूं मैं, जो मेटल्स एक्टिव हैं, एक्टिव से मतलब रिएक्टिव है. अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करें, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे ही पढ़ाई हुई चीज फिर मुझ पे बैक मार सकते हैं कि सर आपने कहा था मेटल, आपने मेंशन नहीं किया था, तो आप यहां पे गोल्ड की रिएक्शन करा के दिखाओ. तो भाई मैं ऐसे बच्चों से पहले से ही सॉरी बोल रहा हूं, पहले मेरी बात को पूरा सुन लो, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करना. ठीक है, तो मेटल, एक्टिव मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो हमेशा बनाएंगे मेटल ऑक्साइड. तो यहां पे दो आपके रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट होगा सिंगल. बस जितने मेटल याद हों आपके, लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारे ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो. इतने सारे एग्जांपल आपके तैयार हैं, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा. इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए. ठीक है, कॉम्बिनेशंस के अंडर ये सारे आ गए. तो कॉम्बिनेशन को पढ़ाया ही नहीं, बल्कि आपको सारी रिएक्शंस की ट्रिक बता दी. बैलेंस करने की आपको ट्रिक मालूम है, एक वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया था अलग से, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए. अच्छा सर, एक हो गया, एक और बता दें आपको. यस सर बता दीजिए. जब भी कोई एक्टिव मेटल, यस एक्टिव मेटल, मेटल तो है वो, एक्टिव मेटल की हम बात कर रहे हैं, क्लोरीन से रिएक्शन कर ले, तो यहां भी एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आप बना सकते हैं, मेटल क्लोराइड. किसी बुक में, एस्टन की बुक हो या कोई और सी बुक हो, वीवा की बुक हो वगैरह वगैरह, बहुत सारी बुक काउंटर्स पर अवेलेबल हैं, क्लास 10 के लिए हजारों किताबें. अगर किसी भी किताब में इस तरीके से समझाया गया हो तो बताइएगा, तो बहुत मजा आने वाला है आपको. यहां पर कुछ भी याद नहीं करना है, फिंगर टिप्स पर आएगी केमिस्ट्री. तो चलिए देखते हैं, मेटल प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड. एग्जांपल देखिए, अब ये एक ट्रिक हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बनाने की दो ट्रिक दे रहे हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो स्पेशल रिएक्शन है वो अलग से लिखाएंगे. ठीक है, बस कंप्लीट. तो मेटल लीजिए भाई, मेटल सर पोटेशियम से स्टार्ट करते हैं. पोटेशियम प्लस क्लोरीन gives potassium chloride, sodium plus chlorine gives sodium chloride NaCl, calcium plus chlorine
गिव्स कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे कितने बन जाएंगे बच्चों? सारे मैं कहां तक लिखूं? तीन एग्जांपल लिख देता हूं, काफी हैं, बाकी आप अपने आप से बनाते रहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, वेरी गुड। तो ये दो ट्रिक हो गई। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहूंगा, सोडियम लिथियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। अब इनके बारे में क्या, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, दोनों ट्रिक्स याद कर लीजिए। क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सुनिएगा। क्वेश्चन भी आता है, क्लास 10th में क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल्स लाइक सोडियम लाइक पोटेशियम, ठीक है, स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल, कैप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, क्या वजह है जो सोडियम जैसे मेटल को केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो कर रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का, वो यहीं से आपको इसका मतलब मिलेगा। एक्चुअली सोडियम पोटेशियम लिथियम आर वेरी रिएक्टिव, वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स व्हेन दे एक्सपोज टू एयर। ध्यान दीजिएगा, व्हेन दे एक्सपोज टू एयर दे इंस्टेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, इवन दे कैच फायर बाय दिस हीट। यानी कि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से ये आग पकड़ लेते हैं, कैच फायर, यहां लिख देता हूं कैच फायर। तो केरोसिन जो है, केरोसिन वो एक बैरियर का काम करता है, यानी कि केरोसिन के अंदर एयर डिसॉल्व नहीं हो सकती। तो ये एक मैं दिखा रहा हूं आपको, ये मैंने एक मान लीजिए बीकर वैसे ले ली, इसके अंदर कोई सोडियम का पीस मैंने डाल दिया, तो अब ऑक्सीजन का इससे जो कॉन्टेक्ट है वो हट गया, अभी ऑक्सीजन इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी, तो ये अभी सेफ है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा हुआ है। तो कोई भी अगर ये क्वेश्चन आता है कि वाई मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम लिथियम कैप्ट अंडर केरोसिन ऑयल, तो आप ये आंसर लिखेंगे बिकॉज सोडियम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, दे इंस्टेंट रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक रिएक्शन व्हेन दे एक्सपोज टू एयर, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, इवन दे कैच फायर। ठीक है, तो ये वजह है कि हम इन मेटल्स को किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं, जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, आपने सुना होगा नाम, मुंबई में इसको घासलेट बोलते हैं। हाँ सही, घासलेट ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन के अंडर आपने पढ़ लिया, कहने को तो एक मिनट का काम है, कॉम्बिनेशन उठाया, किताब देखी, चलिए दो एग्जाम्पल पढ़े, बट बच्चों यहां पर हम रट नहीं रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट को डीपली फील कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो जितनी मेहनत से आपको आपका टीचर पढ़ा रहा है बेटा, उतनी मेहनत से आप पढ़ लीजिएगा, सक्सेस आपके कदमों में होगी, इस बात को याद रखिएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात की गारंटी हम देते हैं आपको। सीरियस होकर पढ़ लीजिए बच्चों, मजा आएगा आपको पढ़ने में, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिलाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, कोई भी चीज रटाऊंगा नहीं। नाउ आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे। क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे? जैसे ये अमोनिया का फॉर्मेशन है, अमोनिया एक गैस है जो क्लिंजिंग एजेंट की तरह यूज होती है, अभी काफी सारे इसके आएंगे यूजेस और काफी बार इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो अभी देख लो। व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन H2 इट फॉर्म्स अमोनिया NH3। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्न लिख रहा हूं, वरना कार्बन तो लकड़ी में भी प्रेजेंट है, पेपर में प्रेजेंट है, उसको जलाओगे यानी कि उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाओगे तभी रिएक्शन करेगा, ऐसा थोड़ी कार्बन रखा हुआ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आग लग गई, नो। तो बर्न लिखा हुआ मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट और लाइट बनती है, तो ये भी एक एग्जांपल हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये अमोनिया का प्रोडक्शन हो गया और ये हमारा हो गया कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, और एक बड़ी फेमस रिएक्शन आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई गई थी, ये जो आपका लाइम है CaO चूना जिसे बोलते हैं, सॉलिड होता है ऑब्वियसली बात है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, वो भी कॉम्बिनेशन था, और जैसे ही हम इस लाइम को पानी में डालते हैं बच्चों, पानी में लिक्विड पानी में डाल दिया, तो ये आपने आपको मैंने पढ़ाया था कि ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो पानी इतना खोलने लगता है उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है ना, लेकिन जब प्रोडक्ट है उस पर आपने ध्यान दिया, जो सिलेक्ट लाइम बनता है और ये इतना गर्म हो जाता है कि ये उबलने टाइप लगता है, बॉइल होने लगता है, बट ये है तो कैसा प्रोडक्ट, सिंगल है ना, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो ये भी तो कॉम्बिनेशन के अंडर आ सकता है। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स की रिएक्शन है जो कॉम्बिनेशन के अंडर हम पढ़ सकते हैं। अच्छा एक बात और बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो अभी हमने बताया था आपको, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने पर फायर कैच कर लेता है, अगर इसको पानी में डाल दें
उसको भी ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है और तब भी ये फायर कैच कर लेता है, इसमें आग लग जाती है। तो मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं वो भी हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में। फिलहाल मैंने बता दिया वो पहले इस टाइप से जादूगर होते थे, या तो वो पानी में वही सोडियम का पीस फेंकते थे और पानी में लग जाती थी आग। अब लोग खुश हो रहे हैं, तमाशा देखने वाले, तमाशा दिखाने वाले आते थे इस टाइप से, या कुछ जादूगर टाइप, उन्होंने पानी में वो सोडियम का पीस फेंका और उसमें लग गई आग। अब लोग हैरान है कि उसने आग कैसे लगा दी, भाई पानी में आग कैसे लग गई। तो बेटा ये भी आपको 10th क्लास में आपके आंसर मिल रहा है कि पानी में आग, उसने सोडियम या पोटेशियम का पीस फेंक दिया था और वो रिएक्शन हुई इंस्टेंट और आग लग गई। तो एवरीथिंग इज साइंस, हर चीज के पीछे साइंस है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश। जितने एग्जाम्पल मन करे उतने एग्जाम्पल बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए चलते हैं नंबर 2 पर, जो इसका जस्ट अपोजिट है। ये काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से काफी सारे क्वेश्चन लगातार फ्रीक्वेंटली आते रहे हैं, CBSE में आते रहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस, जैसा कि नाम है, किसी भी चीज को डीकंपोज करना, तोड़ना, ब्रेक डाउन करना, तो बस यही है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। और इसमें 3 टाइप भी हैं बच्चों, अब मजा आने वाला है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स मोर 2 or more प्रोडक्ट, यानी कि ये ए था हमारे पास, इसको किसी भी तरीके से हमने, किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद से हमने इसको डिकम्पोज किया। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, वो हीट हो सकती है, गर्म कर दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, अगर वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हीट से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। जैसे पानी है, पानी को गर्म कराओ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन उड़ती हुई दिखाई देगी क्या, कि भाई हाइड्रोजन वो जा रही है ऑक्सीजन, पानी तो भाप बनकर उड़ जाएगा, भाई भाप बनेगी और उड़ जाएगी। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहां अलग होती है गर्म करने पर, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करानी पड़ेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं भैया जिनको दिखाओ, धूप, जादू वाली धूप, सनलाइट, तो जैसे ही सनलाइट दिखाओगे वो ब्रेक हो जाएंगी, लाइक सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता था उसका, अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी गायब हो गई है, दिखाई देती नहीं, आपके जमाने की बात नहीं है ये, समझाएंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा जिसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से, लाइक हीट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, सनलाइट होगी, ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद ये 2 or 2 प्रोडक्ट भी दे सकता है, B+C or more। तो व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 or more प्रोडक्ट ऑन हीटिंग, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, या ऑन एक्सपोज टू सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्यों अपोजिट है भैया, उसमें 2 or 2 एक प्रोडक्ट दे रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट 2 or 2 प्रोडक्ट दे रहा है, ऐसे ही तो था, उसमें 2 or 2 रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे, इसमें एक रिएक्टेंट 2 or 2 प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये उसका अपोजिट ही कहलाएगा। सर एग्जाम्पल कैसे बनाएं, तो एग्जाम्पल से पहले मैं इसको कैटेगराइज करना चाह रहा हूं, क्योंकि हर कैटेगरी के एग्जाम्पल आपको अलग देना चाहता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो और सिस्टमेटिक स्टडी भी चलते रहे प्यारे बच्चों। तो इसी वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एवरी डीकंपोजिशन रिएक्शन कम्स अंडर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एनर्जी हमें चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए, बिकॉज इन डीकंपोजिशन रिएक्शंस वी नीड एनर्जी टू कैरी आउट देम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। या हम ये कह सकते हैं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, मैंने बताया था हीट की फॉर्म में नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, सनलाइट भी हो सकती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था, एग्जाम्पल भी दिए थे और वहां पे बताया भी था। तो एवरी डीकंपोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा। अगर एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल आ जाए तो आप डीकंपोजिशन के एग्जाम्पल बेझिझक आंखें बंद करके लिख दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन को मैं 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहा हूं बच्चों। पहला है थर्मल डीकंपोजिशन, जैसा कि नाम है थर्मल, थर्मल का मतलब हीट होता है, तो थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है बच्चा पार्टी, पहला टाइप। दूसरा टाइप इसमें आता है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन,
उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, अभी बताएंगे, डीकम्पोजिशन। और नंबर थर्ड जो है इसमें बच्चे लोग, वो है फोटोलाइटिक, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटो मींस सनलाइट, सिंथेसिस मींस मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, बनाना वो केला वाला बनाना नहीं है, बनाना मैन्युफैक्चरिंग वाला बनाना, फोटोसिंथेसिस ही बोल दिया, कंफ्यूजन में देखिए क्या हो रहा है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। तो दोज डीकंपोजिशन रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू डीकंपोज देम, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। एक एक लाइन की डेफिनेशन अगर नाम याद होगा तो रिएक्शन फटाक से याद हो जाएगी। दूसरा बनाओ भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, दोज रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज देम, या इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट देम, जो आप बेहतर समझे वो लिखे। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल मिलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, तो दोज रिएक्शन इन विच सनलाइट इज नीड टू कैरी आउट देम आर कॉल्ड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये हो गई एग्जाम्पल, सॉरी ये हो गई डेफिनेशन। अब वन बाई वन इनके एग्जाम्पल पे करेंगे डिस्कशन। तो इसके अंदर हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज थर्मल डीकंपोजिशन। अब इसमें बहुत सारी बातें मैं बच्चों आपको बताने वाला हूं, बहुत सारी। पहला देखो, एक एग्जाम्पल देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बड़ा फेमस डीकंपोजिशन है, सॉलिड होता है, हीट का साइन वही आपको मालूम है डेल्टा है। अब बच्चों ने रट लिया, जैसे हम इसको हीट कराएंगे इट विल ब्रेक एज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकलेगी, सही है। अच्छा जी, समझ में आ गई सर बात। चलो दूसरा बना दो, बनाओ भाई दूसरा बनाओ, देखें हम भी क्या बनाते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन करो। चलो तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है बच्चों, आपके लिए एक इंडिविजुअल रिएक्शन है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए एक टाइप है, जिस कैटेगरी के अंदर ये आता है उसी कैटेगरी के अंदर मेरे हिसाब से ये आता है। ये एक मेटल है और उसमें कार्बोनेट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको ट्रिक नहीं मिलेगी कहीं, अभी मैं लिखवाने वाला हूं। तो ये है मेटल, ये है कार्बोनेट। जब भी आप किसी मेटल कार्बोनेट को हीट कराइएगा, वो मेटल ऑक्साइड देगा आपको, सोडियम ऑक्साइड Na2O, सही है, और साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो 10th क्लास में जितने भी रिएक्शन है आपको, जितने भी कार्बोनेट हैं उसमें कराओ रिएक्शन, हीट कराओ, मेटल ऑक्साइड बनाओ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालो। अच्छा जी, तीसरा बनाओ भाई बनाओ। तीसरा ऐसा करते हैं, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, MgCO3, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप करते रहो याद, आपका मन कर रहा है तो करो भाई याद, क्या कर सकते हैं। तो मैं तो इनको एक टाइप बोलता हूं बच्चों, कि एक टाइप की रिएक्शन है। तो मैंने क्या लिखा, मेटल कार्बोनेट। अब इसके ऊपर एक स्पेशली बात बताऊंगा, एक बहुत स्पेशल बात, मैं बोल रहा हूं ना, ईच एंड एवरी थिंग आपको यहां पढ़ाया जाएगा। तो मेटल कार्बोनेट को जब भी आप कराएंगे हीट, जब भी आप कराएंगे हीट, यानी कि उसका थर्मल डीकंपोज हो जाएगा और वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। अब बताइए कैसा रहा, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसको पढ़ा जाए कि रिएक्शन सारी याद करने वाले हो, अब खुद बता दो। तो इस बात पे तो तालियां बनती हैं कि नहीं बनती हैं। मेटल कार्बोनेट को जब भी करोगे थर्मल डीकंपोज, मेटल ऑक्साइड देगा, साथ में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, खत्म, बात खलास। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कुछ स्पेशल बताने वाला था। हाँ, बाकी के मेटल कार्बोनेट बनाओ, कैल्शियम कार्बोनेट तो हमने बना लिया था, एल्यूमिनियम बनाओ, जिंक कार्बोनेट बनाओ, पोटेशियम कार्बोनेट बनाओ और उसको ब्रेक कर करके देखो। तो आपको बुक में मैक्सिमम दो रिएक्शन देंगी, आप 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, क्या फर्क करता है, लाइट कार्बोनेट कराओ, कुछ भी कराओ, बनाओ, खत्म। ठीक, आगे की बात करते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कभी कभी ऐसा आता है, ये मेरे हाथ में देख रही है आपको व्हाइट कलर की चौक, पता है आपको ये क्या है, और इसको अगर मैं जलाऊं, एक मैच स्टिक लूं, उसमें आग लगाऊं, इसको जलाऊं, इसका कलर हो जाएगा ब्लैक, काली पड़ जाएगी। ठीक है भाई, क्यों हो जाएगी काली, ये देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां पे मैं कुछ इसकी लिस्ट बना रहा हूं, एक ये आपको चौक में मिली, ये जिस चौक से मैं लिख रहा हूं इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है,
अंडे का छिलके को कभी जला के देखना, अंडा अंडा खाते हो ना, जो भी खाते हो उसका शेल लेना और शेल को जलाना, ब्रेकडाउन हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड। बोले सर कैसे पहचाने कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है? अगर आप ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस कर लो और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किसी वेसल से या किसी पाइप से पास करा पाओ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करना, लाइम वाटर से पास करा देना। लास्ट ईयर आपको वीडियो भी दिखाया था छोटा सा, लास्ट ईयर बोल दिया, लास्ट लेक्चर में छोटा सा वीडियो दिखाया था आपको और बताया भी था कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर देन इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। उल्टा हो गया ना, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराओगे व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस बन जाएगा, क्योंकि वहां पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये इस बात को शो कर देगा कि हाँ भाई वो गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस बात का सबूत भी दे रहे हैं आपको। तो चौक, अंडे का छिलका, क्योंकि केमिस्ट्री में सीबीएसई ने क्वेश्चन दिए हैं कई बार कि व्हाट हैपेंस व्हेन एग शेल इज हीटेड, या एग शेल को हमने डाल दिया एसिड में किसी, वो हम एसिड बेसिस सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बिकॉज मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से क्या होती है बताएंगे, सब बताएंगे, अभी बताना नहीं चाह रहे वरना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज। तो अभी जो कंटेंट है, जो हमारा सिलेबस है, उसी को पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर का आएगा, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो जब एग शेल को मान लीजिए कहीं डाला एसिड में डाला, अब एग शेल का कंपोजिशन ही आपको पता नहीं है, तो याद रखिए एग शेल इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चौक इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सर और भी कुछ है क्या? हाँ भाई बहुत कुछ है, मार्बल, मार्बल यस, लाइम स्टोन से ही मार्बल बनता है, तो लाइम स्टोन एंड मार्बल इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहां जितने भी ये लाइम स्टोन आ जाए, मार्बल आ जाए, एग आ जाए, चौक आ जाए, तुरंत समझिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है। ये थी ना इंपॉर्टेंट बात, थी ना इंपॉर्टेंट बात, नोट करके लिखिएगा बहुत जल्दी से। तो ये था थर्मल डीकम्पोजिशन मेटल कार्बोनेट का, अभी सबर करिए, रुकिए, अभी अभी और भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी ने, अभी थर्मल डीकम्पोजिशन पे बहुत कुछ है, ठीक है, इसको नोट कर लिया, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसका मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, मैं क्या दिखाने वाला हूं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये एग्जांपल्स हैं बच्चों थर्मल डीकम्पोजिशन के, और वो सारे मैंने कार्बोनेट लिए थे, मैंने लेड नाइट्रेट लिया है बच्चों, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 और लेड की 2, तो ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। तो अभी ये सॉलिड फॉर्म में व्हाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में लिया है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में भी आता है। तो ये हमारा हो गया लेड नाइट्रेट, एकमात्र एग्जांपल आपकी चाहे एनसीईआरटी हो चाहे एसटन की बुक हो, वहां पे दे रखा है बुक में। इसको जब आपने किया हीट तो ये बना बच्चों लेड ऑक्साइड PbO सॉलिड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकली, सर कैसे पता, साथ में ऑक्सीजन गैस निकली, कलरलेस है सर, नहीं पता चलेगा, चलो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगी, इसके नीचे लिख रहे हैं हम ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, ये नाइट्रोजन गैस की पहचान है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, गैस इवॉल्व हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन कलर का धुआं। अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में, ये रही टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे नमक की तरह पार्टिकल होंगे लेड नाइट्रेट के, इसको आप होल्डर से पकड़ लें, होल्डर कैसा बना है, ऐसा बना देता हूं होल्डर, चलो हटाओ, इस होल्डर से इसको पकड़ लें और इसको नीचे से कराएं गर्म, तो 30, 40 सेकंड, 50 सेकंड के बाद इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो ब्राउन कलर का साफ दिखाई देगा, आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, वो ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं 100%। एक वीडियो एड कर रहा हूं यहां पर छोटा सा, देख लो। ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट टू द टेस्ट ट्यूब, now light the spirit lamp, take the test tube and fix it inside the test tube holder. Now we have to heat the lead nitrate. When we heat the lead nitrate undergo decomposition reaction. It forms lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. Here you can observe the reddish brown color gas which is released is nitrogen dioxide gas. Nitrogen dioxide gas is toxic in nature. Now, to check the oxygen, take a burning incense stick and insert inside the test tube. Oxygen gas which is released makes the burning incense stick brighter because oxygen is the supporter of combustion. And this is the best example for thermal decomposition reaction.
तो देख लिया, वीडियो देख लिया भाई सभी ने, मजा आया कि नहीं आया, है ना। चलिए तो बच्चा पार्टी वेलकम बैक। वीडियो आपने देख लिया आपने कैसा ब्राउन कलर का धुआं निकल रहा था उसमें से, और चिप 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 की आवाज आ रही थी, पट 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 की हल्की हल्की, तो वो रिएक्शन की आवाज थी। अब मैं फिर बोलूंगा, हुआ गया ना एक बार की बात नहीं, दो साल पुरानी बात है। ये बच्चे रिएक्शन रट ली भाई, मैं होता मैं भी रट लेता। एकमात्र रिएक्शन है, टीचर ने भी एक ही किताब से पढ़ाई, टीचर ने भी अपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर ये रिएक्शन पढ़ाई, बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन है। मगर पिछले साल सीबीएसई ने चालाकी करके क्वेश्चन दिया कॉपर नाइट्रेट का, CuNO3 का होल ट्वाइस, अब का इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दो भाई। तब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी होती, अब बच्चों को याद नहीं आ रही है, टेंथ क्लास में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, ये कॉपर नाइट्रेट कहां से बन गया। तो आपके लिए ये एक इंडिविजुअल रिएक्शन है, मेरे लिए ये एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक टाइप ऑफ इक्वेशन है जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही है। ये है एक मेटल, अब सुनिए आप अपने सर की ट्रिक, ये है एक मेटल और साथ में लगाए नाइट्रेट, तो हम इसको बोलते हैं मेटल नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट हो गया, कॉपर नाइट्रेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आप उसको कराएंगे हीट, पक्की बात है बनेगी मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल होगा, कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, लेड था लेड ऑक्साइड बन गया, सोडियम होगा सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। यहां कहां लिखे, यहां लिख देते हैं प्लस करके। पक्की बात है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे ब्राउन फ्यूम्स, कैरेक्टरिस्टिक है याद कर लो, समझ में आई बात। और साथ में निकलेगी ऑक्सीजन गैस, तो क्या रिएक्शन याद करोगे या ये ट्रिक पढ़ लोगे? बजाओ ताली इस बात पे, फिर ऑफलाइन होते ना तो ताली जरूर बजाते। ये है अपना स्टाइल केमिस्ट्री पढ़ाने का। तो मेटल नाइट्रेट जब भी हीट करोगे मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलेंगे ब्राउन फ्यूम, साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस, खलास खत्म। अब करो भाई इसको भी पूरा कर लो फिर इसी बात पे। अब बना सकते हो सर कॉपर ऑक्साइड बना दें, बिल्कुल बना दो सर। NO2 लिख दें, वो तो लिखना ही लिखना है, अब आंखें बंद करके सर O2 लिख दें, आंखें बंद करके लिख दो। अब बोलिए कैसा, मजा आया कि नहीं आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ट्रिक नंबर 2, और थर्मल डिकम्पोजिशन के कितने सारे एग्जाम्पल बन गए, 4-5 वो बने थे और इधर भी 4-5 बनाओ, बात खत्म हो गई। तो नाइट्रेट का ध्यान रखना, कहीं भी आ जाए तुरंत मेटल ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स प्लस ऑक्सीजन। अभी कंप्लीट नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं है यहां पर, चलो आगे चलो। एकमात्र एग्जाम्पल दे रखा है भाई। कौन सा एकमात्र एग्जाम्पल दे रखा है, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं सर? वो दे रखा है आयरन सल्फेट का, हमें आपके ही उसमें NCERT एस चंद हो गई, कुछ भी ये एग्जाम्पल दिया है एक, काफी सारी इस पे क्वेश्चन भी बने हैं। क्या सर बताइए सर, आयरन सल्फेट को करा हीट, सही है भाई कर दिया, तो ये बनाएगा Fe2O3 जिसको हम कहेंगे फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि आयरन की वैलेंसी 3 ऑक्सीजन की 2 है, तो 3 वैलेंसी ली जाएगी तो फेरिक बोलते हैं, बता चुके हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है भाई। साथ में बनेगी सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में बनेगी सल्फर ट्राइऑक्साइड, भाई इतनी सल्फर हो गई, ये दोनों ही गैसेस हैं, तो सल्फर के जलने की बड़ी बदबू सी आएगी, स्मेल आएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है सल्फर की, दिखाएं कैसी होती है, दिखाएं भाई खुशबू, स्मेल कैसे दिखाएंगे, मतलब फील कराएं। मैच स्टिक होती है उसको जलाना, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली बुझा देना, स्मेल करके देखना, अजीब सी आती है ना, समझ लीजिए वही है सल्फर, उसमें सल्फर होता है, सल्फर के जलने की स्मेल जो है वो अलग ही कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो व्हेन आयरन सल्फेट इज हीटेड देन इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कैन बी फील। क्वेश्चन आता है एक आयरन का कंपाउंड है जिसे हीट करा गया, तो एक भाई ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर इसका होता है, एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बन रहा है, साथ में सल्फर के जलने की स्मेल आ रही है, पता लगाओ क्या था। तो भाई आयरन का कंपाउंड है, तुरंत समझ गया भाई, और सल्फर के जलने की स्मेल आ रही है तो SO2 SO3 होगा, आयरन का कंपाउंड है तो फेरस सल्फेट ही रहेगा। तो आपके लिए एक रिएक्शन है, आपके लिए एक रिएक्शन है, हमारे लिए पूरा टाइप है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो फिलहाल आपके 10th क्लास में आएगा तो सल्फेट आयरन को वो चेंज कर सकते हैं, वही वाला आएगा जो इस फॉर्म को फॉलो करता होगा, मैं ये अभी बता दे रहा हूं आपको, ये 10th क्लास के लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मेटल सल्फेट जो आपके सिलेबस वाले हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना पढ़ना ठीक होगा बिल्कुल। तो जब भी कोई मेटल सल्फेट को करोगे हीट, फिर से वही बनाओगे मेटल ऑक्साइड,
साथ में आंखें बंद करके सल्फर डाइऑक्साइड, आंखें बंद करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, मेरे हिसाब से तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गई तीसरी ट्रिक। अब कोई भी रोक नहीं सकता आपको कोई भी रिएक्शन लिखने से, बात हो गई खत्म। यहां पर होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन खत्म। एक एक रिएक्शन जो किताबों में भी नहीं थी वो इस लेक्चर में डिस्कस करी गई है बच्चों। तो बहुत अच्छे से नोट करो ट्रिक्स को और पढ़ लो और रिविजन कर लो, सही है। तो यहां पर होता है हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन का एंड। अब चलते हैं हम कौन से थर्मल डिकम्पोजिशन, तो हो गया खत्म। बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। अब जैसे कुछ चीजें हैं जो गर्म करने से अलग नहीं होती, जैसे वाटर का एग्जांपल ले लो प्यारे बच्चों, H2O भाई हीट करने से तो भाप बन जाएगा, ये स्टीम बन जाएगा, तो इसका काम ऐसे नहीं बनेगा, इसको चाहिए बहुत सारी पावर। तो इसका मैकेनिज्म भी दिखा दें आपको, वैसे मेटल नॉन मेटल में बताया जाएगा लेकिन चलो दिखा देंगे। तो जैसे ही हमने इससे पास कराई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये निकला, इस पर क्वेश्चन भी बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई। अब बच्चे एक बात और सुन लें, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगी, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, इसका सेटअप लगाते हैं पहले, ठीक है। रिएक्शन को थोड़ा साइड से लिखेंगे, यहां पे थोड़ी जगह बनाएंगे, रिएक्शन यहां लिखते हैं। H2O पास कराई इलेक्ट्रिसिटी, बनी H2 गैस, बनी O2 गैस, ठीक है। बैलेंस अगर आप इसको कर दें तो भाई क्या होगा, यहां पे आपको एक ऑक्सी, यहां पे दो लगाना पड़ेगा, यहां पे यानी कि दो वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लें या दो एटम ऑफ वाटर ले लें तो दो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे और वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बनेगा, अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें था टैप वाटर ही है ये, डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कभी नहीं करेगी, वो भी समझा देंगे, लेकिन उसमें कोई आयन नहीं होता, कोई इंप्योरिटी नहीं होती, पता होगा आपको वैसे, चलिए कोई बात नहीं बताएंगे बाद में। इसमें हमने दो कार्बन की रॉड्स डाल दी जो एज अ इलेक्ट्रोड यूज करी जाती हैं, ठीक है। ओके सर, ये किस तरीके से वायर ले लिया, ये एक बैटरी लगा ली, चलो इस तरीके से वायर को घुमा लो, हाँ ये माइनस ये प्लस, माइनस वाले को बच्चों कहते हैं कैथोड, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को बच्चों बोलते हैं एनोड। इसका भी रीजन है वैसे बताएं, इसका रीजन ये है, एनोड और कैथोड जो कैटाइन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैटाइन कैसे चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट यानी कि जाएंगे अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव वाले की तरफ, तो कैटाइन जिधर अट्रैक्ट होंगे उसको कैटाइन के नाम पर डाल दिया कैथोड, तो ये अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, याद रखिएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा तो कैटाइन से उसका नाम डाल दिया कैथोड। इसी तरीके से एनाइन, एनाइन होते हैं नेगेटिव वाले, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव वाले की तरफ, तो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो एनाइन के नाम पे उसका नाम पड़ा है एनोड, तो ये अपोजिट होते हैं याद रखिएगा, कहीं लोग बच्चे समझ लें कैटाइन पॉजिटिव है तो कैथोड भी पॉजिटिव होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो इसमें डाला हमने वाटर, इलेक्ट्रिसिटी करा दी पास। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो जनरली क्वेश्चन ये आता है, चाहे वो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो, जो भी गैस या जो भी मेटल डिकम्पोज होकर इधर जो बनेगा वो किस इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन आप जानते हैं ना, ऑक्सीजन का आयन बताओ बच्चा जरा मुझे, सर O2 माइनस, हाइड्रोजन का बताओ सर H+, तो प्लस वाला अट्रैक्ट होगा नेगेटिव वाले की तरफ, यानी कि इस इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स उठेंगे, तो वो बबल्स हाइड्रोजन गैस के होंगे, इस इलेक्ट्रोड पे बबल्स उठेंगे क्योंकि ऑक्सीजन गैस है पानी में थोड़ी ना डिजोल्व रहेगी, वो बबल्स ऑक्सीजन गैस के होंगे, यानी कि इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड, एंड सॉरी हाइड्रोजन इज इवॉल्व्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एट एनोड। तो ये होता है तरीका, समझ में आ रही है बच्चों बात, यस सर आ रही है। तो इसके नीचे आपको ये पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव वाले पे जाएगा, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, सॉरी हाँ कैथोड बोलते हैं ना, हम ही ने बताया, हम ही ने उल्टा कर दिया, और ये एनोड पे जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई, समझ में आ गई, ओके।
अब ऐसे ही नमक, नमक को गर्म करोगे नमक क्या होगा, नमक को गर्म करते रहो करते करते रहो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन। तो ये काफ़ी रिएक्टिव जो कंपाउंड है, मतलब जिनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये हीट करने से अलग नहीं होते। तो NaCl जैसे पानी में डालोगे भाई, सॉलिड नमक में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी पास हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन बना लो। तो नमक को पानी में डाल लो भाई, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हटा दो, नमक को पानी में घोलने पर जो सॉल्यूशन बनेगा, इसको एक्वस सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ, इसको ब्राइन बोलते हैं बच्चों, याद रखना। नमक को पानी में डालने पर जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड ब्राइन, बहुत कम बच्चों को पता होता है। तो ब्राइन में से जब पास हुई इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास हुई इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या बन गया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गई। बैलेंस कर लीजिए, 2NaCl, ठीक है 2Na, दो मॉलिक्यूल से या दो वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड से, दो वॉल्यूम सोडियम बनेगा और एक वॉल्यूम क्लोरीन का बनेगा, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाले पर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाला कौन सा है, कैथोड, कैटाइन बनाता है तो कैथोड पे जाएगा, ये एनायन बनाता है तो एनोड पे जाएगा, बात खत्म हो गई। अब क्लोरीन गैस है ये तो रुकेगी नहीं, तो ये इवॉल्व हो जाएगी और सोडियम इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा जाकर, इस पे क्या करेगा चिपक जाएगा जाकर। अब वो कहाँ उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, कहाँ उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो आपको हम समझाएंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब पढ़ाएंगे, कि कैसे वो इलेक्ट्रॉन लूज करा, फिर यहाँ पे जाके दोबारा गेन करा, इस पे डिपॉजिट हो गया, उसकी मैकेनिज्म की बात यहाँ नहीं करेंगे। फिलहाल हमने आपको एक ट्रिक बता दी, ये जरूर आप पता लगा लेंगे कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा। इसी तरीके से जितनी भी ये सोडियम ऑक्साइड हो गई और ये आपकी पोटेशियम ऑक्साइड होगी, इन सब में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गई बच्चों, ये एल्यूमिनियम की एक और है बॉक्साइट, तो इसको प्यूरीफाई करके एल्यूमिनियम निकालेंगे। ऑक्सीजन चली जाएगी कहाँ, एनोड पर, और एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। समझ रहे हैं बात को? तो इस टाइप के जितने भी हैं, जैसे पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया, H2 हो गया, इन सब का डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से हम करते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फिनिश। बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, आपको बेसिक नॉलेज बता दी, अंदर के फैक्ट बता दिए और डीपली समझा दिया। अब चलते हैं हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन की तरफ। फोटोलाइटिक, जैसे वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, जो प्रोसेस था ना वो केमिकल चेंज आ रहा था उसके अंदर, उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्लास 8th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। एक चैप्टर था क्लास 8th में, कौन सा, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उसी में इलेक्ट्रोलिसिस समझाया था। तो इसी तरीके से जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, इसको फोटोलिसिस भी बोल सकते हैं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, व्हेन सनलाइट इज यूज्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन या टू कैरी आउट डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, देन इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब सारे कंपाउंड तो दुनिया में ऐसे है नहीं कि जो सनलाइट दिखाओ और भैया टूट गए, सनलाइट दिखाओ सूरज की धूप में रखो और उड़ गए, ऐसा तो है नहीं। तो कुछ स्पेशल स्पेसिफिक सब्सटेंस हैं जो आपको बड़े अच्छे से याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। वो स्पेसिफिक सब्सटेंस ही सनलाइट दिखाने पर ब्रेक होंगे। सबसे पहला AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको दिखाया सनलाइट, सनलाइट सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग, बैलेंस कर लीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी पहले के जमाने में, उसमें पहले फोटो का नेगेटिव बनता था, उसमें भूत जैसे दिखाई देते थे। अगर किसी बच्चे को पता करना हो तो YouTube पे डाल के देख लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी नेगेटिव, तो वो हर फोटो का नेगेटिव बनता था, तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का यूज होता था, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि आ कंपाउंड विच कैन बी ब्रेक डाउन यूजिंग सनलाइट एंड दैट इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पता लगाओ, तो दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। प्यारे बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड, इस पे इस तरीके से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसमें भी जब आप सनलाइट दिखाएंगे सिल्वर अलग क्लोरीन अलग। और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मगर ये आपको NCERT में और SCHM में इसका क्वेश्चन और क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा और इसका एग्जाम्पल भी नहीं मिलेगा। एक मैंने आपको पढ़ाया था परऑक्साइड आयन, याद होगा O2 2- और हाइड्रोजन होता है H+, तो क्या बनेगा H2O2 बन जाएगा इन दोनों के रिएक्शन करने से, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम H2O2, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पॉइजनस सब्सटेंस है। इस पे क्वेश्चन ये आता है कि
अ सब्सटेंस या व्हाई हाइड्रोजन परोक्साइड इज कैप्ट इन कलर्ड बॉटल्स, इस पे ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन परोक्साइड को कलर्ड बॉटल्स में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बॉटल ट्रांसपेरेंट होगी तो उसमें सनलाइट एंटर कर जाएगी और वो सनलाइट इसको कर देगी डीकम्पोज, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हमने आपको बता दी है, बस इतना पढ़ लो। तो हाइड्रोजन परोक्साइड पे जैसे ही सनलाइट जाएगी इट विल डीकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो हो गई खत्म। तो हाइड्रोजन परोक्साइड में भी आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है। अब देख रहे हैं आप, ये सिर्फ दो टाइप की हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई है, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन, जबकि दो दो मिनट का काम था। बहुत सारे आपको थंबनेल मिल जाएंगे वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए, 5 मिनट में केमिकल रिएक्शन खत्म, ठीक है 3 मिनट में केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म। तो दुनिया में कोई ऐसा जादू नहीं है जो 1 मिनट में आपको पढ़ा के रख दे, वो पक्का, वही समझ लीजिए ना दुकानें होती हैं ना जो बोलती हैं भाई 10 का माल 2 में, वो इस टाइप की दुकानें जो वो बुला बुला के जोर जोर से चीख के लोगों को बुलाते हैं, मगर बाद में जो माल होता है ना, जो प्रोडक्ट होते हैं वो लोकल निकलते हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है ना, कि हाँ भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, हर चीज़ के पीछे का फैक्ट जानिए। 2 मिनट में कुछ आपको नहीं मिलता, ना ही रातों रात कोई स्कॉलर बनता है, ना ही कोई रातों रात बेवकूफ़ बन सकता है। हर चीज़ का अपना टाइम है, उस प्रोसेस से आपको होके जाना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें आपको A to Z समझ में आई होंगी, बट विदाउट प्रैक्टिस और विदाउट रिविजन इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज मज़ा आया कल बुझाओगे भूल, तो कॉन्स्टेंटली इसको रिवाइज करते रहिएगा। अपने आप से जितने मैंने टाइप पढ़ाए उनके क्वेश्चन भी खुद बनाइएगा, और जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उनके आंसर राइटिंग जरूर करिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के रिएक्शंस हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपकी, अब याद रखिए कौन सी खत्म होगी, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन खत्म होगी, बाकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बाकी जो 3 बची आपकी रिडॉक्स बच रही है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद 1 लेक्चर और होगा, उसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए कॉन्स्टेंटली, और कोई डाउट आए तो मुझसे जरूर पूछिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।